Hello everyone, this is Rohini Verma and welcome to my YouTube channel. Today we discuss female reproductive organ. So first, what is reproduction? Reproduction एक biological process है जिसमें कि parent से new individual का production होता है. And reproduction में जो organs participate करते हैं उसको reproductive organ कहते हैं. So female body में जो organ participate करेगा reproduction में उसको female reproductive organ कहते हैं. And the study of female reproductive system is called gynecology. So this is the structure of female reproductive system. Female reproductive system में four organs प्रेजेंस होता है, four organs participate करता है. First is ovary. This is ovary. And female में one pair ovary प्रेजेंस होता है, first and second. Second fallopian tubules. This is fallopian tubules. One pair fallopian tubules presence होता है first, second. Fallopian tube. Third one is uterus. This area is uterus. Fourth one is vagina. सो अभी हम सभी ऑर्गन्स को डिटेल्स में स्टडी करते हैं. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ ओवरी. सो ओवरी का शेप ऑलमंड शेप होता है एंड ओवरी टू फोर सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 2.5 सेंटीमीटर वाइड होता है एंड 1.5 सेंटीमीटर थिक होता है. एंड ओवरी ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू, दिस इज़ ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू यूट्रस से अटैच रहता है एंड सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू लेटरल पेल्विक वॉल से अटैच रहता है. एंड ओवरी जो है वो एब्डोमेन के लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ ओवरी. सो ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंस होता है. ओवरी का आउटर लेयर जो होता है वो पेरिटोनियम से बना होता है एंड पेरिटोनियम के अंदर पे जस्ट एंटर वाला लेयर जो है वो जर्मिनल एपिथीलियम होता है. एंड ओवरी का सेंटर पार्ट जो है वो मेड्यूला कहलाता है. दिस इज मेड्यूला. एंड मेड्यूला में ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड स्ट्रोमा प्रेजेंस होता है. दिस इज स्ट्रोमा. एंड ओवरी का आउटर पार्ट जो होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है. एंड कॉर्टेक्स में ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंस होता है प्लस स्ट्रोम प्रेजेंस होता है. दिस इज मीजो ओवेरियम. दिस इज प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल्स जो कि अभी इमेच्योर होता है. एंड प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल्स जैसे जैसे डेवलप होता है वो सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करता है. दिस इज सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल्स. देन सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप करके प्राइमरी ओसाइट का फॉर्मेशन करता है. दिस इज प्राइमरी ओसाइट. एंड प्राइमरी ओसाइट पे ग्राफियन फॉलिकल्स प्रेजेंस होता है. दिस एरिया इज ग्राफियन फॉलिकल्स. प्राइमरी ओसाइट्स डेवलप होकर सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन करता है. दिस इज सेकेंडरी ओसाइट जिसमें कि ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है. तो यहाँ पे ओवम ओव्यूलेशन के प्रोसेस पे चला जाता है. देन उसके बाद पे जो ओवेरियन फॉलिकल होता है वो रप्चर्ड हो जाता है. एंड दिस इज रप्चर्ड ओवेरियन फॉलिकल ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है. देन कार्पस ल्यूटियम के बाद वो कार्पस एल्बुमिनस में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ओवरी. सो ओवरी का फंक्शन है एक्सोकाइन फंक्शन कि ओवरी ओवम प्रोड्यूस करता है. सेकेंड एंडोक्राइन फंक्शन. सो ओवरी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि इसमें ओवम का प्रोडक्शन होता है प्लस सेक्स हॉर्मोन रिलीज होता है. एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इज फेलोपियन टिब्यूल्स. सो
दिस एरिया इज फेलोपियन ट्यूब्यूल्स. फेलोपियन ट्यूब्यूल्स इज ऑल्सो नोन एज यूटेराइन ट्यूब्यूल्स. सो फेलोपियन ट्यूब्यूल जो है वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि 11 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. एंड फेलोपियन ट्यूब्यूल्स फोर पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट दिस एंड दिस. दिस एरिया इज कॉल्ड इन्फंडिबुलम. एंड इन्फंडिबुलम जो है वो लॉन्ग कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके लास्ट में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. दिस इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. एंड इसके थ्रू ही ओवम जो है वो फेलोपियन ट्यूब्यूल में एंटर करता है. एंड दिस इज कॉल्ड फिम्ब्रुई. एंड नेक्स्ट दिस एंड यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है वो एम्प्यूला कहलाता है. एंड एम्प्यूला जो है वो फेलोपियन ट्यूब्यूल्स का लॉन्गेस्ट एरिया होता है, सबसे ज़्यादा लार्ज एरिया होता है एम्प्यूला. एंड एम्प्यूला में ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. एम्प्यूला जो है वो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट थर्ड पार्ट इस्थमस. इस्थमस जो है वो नैरो पोर्शन होता है फेलोपियन ट्यूब्यूल्स का एंड थिक एरिया होता है. फोर्थ इंटरस्टीशियल. इंटरस्टीशियल जो पार्ट होता है वो नैरो पार्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट एरिया होता है फेलोपियन ट्यूब्यूल्स का. नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्यूल्स. तो फर्स्ट फंक्शन है फेलोपियन ट्यूब्यूल्स का कि ये ओवम को ओवरी से कलेक्ट करके यूट्रस तक लेके जाता है. एंड सेकेंड फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन जो है वो फेलोपियन ट्यूब्यूल्स के एम्प्यूला पोर्शन पे होता है. नेक्स्ट वन इज यूट्रस. सो दिस इज यूट्रस. यूट्रस पियर शेप स्ट्रक्चर होता है. एंड यूट्रस जो है वो 7.6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 4.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है एंड 3 सेंटीमीटर थिक होता है. एंड यूट्रस जो है वो थ्री पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट अपर पोर्शन इज कॉल्ड फंडस. सेकेंड मिडिल पोर्शन इज कॉल्ड बॉडी. थर्ड लोअर पोर्शन इज कॉल्ड सर्विक्स. सो फंडस जो है वो अपर पोर्शन होता है जो कि फेलोपियन ट्यूब्यूल से अटैच होता है. एंड फंडस जो है वो राउंड स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट बॉडी. बॉडी मिडिल पोर्शन होता है जो यहाँ पर ही इम्प्लांटेशन होता है एंड यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट सर्विक्स. सर्विक्स जो है वो लोअर पोर्शन होता है जो कि वजाइना से कनेक्टेड रहता है. फंक्शन ऑफ यूट्रस. सो यूट्रस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है एंड जाइगोट में यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है. यहाँ पर इम्प्लांटेशन का फंक्शन होता है. प्लस पार्चुरेशन के टाइम पे यंग वंस को यहाँ से इम्पेल किया जाता है. नेक्स्ट इज वजाइना. वजाइना जो है वो इलास्टिक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है. एंड वजाइना फंक्शन ऑफ वजाइना. सो वजाइना का फंक्शन ये है कि चाइल्ड बर्थ, जो बेबी का जो बर्थ है वो पार्चुरेशन के टाइम पे बेबी यहाँ से ही बाहर होता है. सेकेंड वन इज कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फ्लो होता है वो वजाइना के थ्रू ही ह्यूमन बॉडी से बाहर जाता है. थर्ड वन इज सेक्सुअल एक्टिविटी. सो सेक्सुअल एक्टिविटी वजाइना के थ्रू ही कंप्लीट होता है. एंड वजाइना का जो अपर पोर्शन है वो सर्विक्स से कनेक्ट होता है एंड लोअर पोर्शन जो है वो रिप्रोडक्टिव पोर के रूप में ह्यूमन बॉडी से बाहर ओपन होता है. दिस इज द ओवरव्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. एंड इफ यू अंडरस्टूड माई वीडियो
देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन एंड इफ एनी क्वारीज और मोर अपडेट ऑफ दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज यू कैन फॉलो अप मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड यू कैन कॉमेंट बिलो. सो नेक्स्ट हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर.